और अयोध्या सज धज के तैयार है। राम मंदिर बनने के बाद ये अयोध्या में पहली दिवाली है। अयोध्या राम में है, अब की दिवाली भव्य दिव्य है, इसकी पूरी तैयारी है। रामनगरी से संवाददाता राजीव शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरे कैमरा पर्सन अंकुश और मैं यानी राजीव शर्मा की तरफ से जय श्री राम। अयोध्या की नगरी से, अयोध्या की नगरी से क्यों? क्योंकि दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव क्यों? क्योंकि 8वां दीपोत्सव है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दियो का बनाया जाने की तैयारी है। पूरे राम पथ धर्म पथ को सजाया जा रहा है। मैं बहुत नज़दीक हूँ राम मंदिर के, लेकिन उससे पहले राम पथ को आपको दिखा देता हूँ। लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से आने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी गाड़ियों को रोक लगा दी गई है, केवल यहाँ के आसपास के लोग टू व्हीलर पर चल सकते हैं। जगह जगह भगवान श्री राम के कटआउट यहाँ पर लगे हैं। किनारे अगर सड़कों को देखें तो किनारे बहुत ज़्यादा फूलों से भी यहाँ पर सजाया गया है, इन फूलों के ज़रिए। ये आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरें, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, वो चीज़ ये कि आप भले ही गणमान्य अतिथि यहाँ पर रहे होंगे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा थी उसके पहले बड़ी उम्मीद की जा रही थी वो चेहरा कैसा होगा भगवान राम का। तब चेहरे को लेकर कौतूहल था, अब वो चेहरा भी यहाँ पर व्यवसाय में एक छोटा सा हिस्सा अपना बना चुका है। यानी भगवान राम का वो चेहरा जिसको लोग देखना चाहते थे मूर्ति के रूप में, और यहाँ पर वो बिकने भी लगा है। आइए हम आपको यहाँ पर तस्वीरों में भी दिखा देते हैं। ये भगवान राम की वो मूर्ति है जो कि गर्भगृह में विराजमान है, और ये यहाँ पर जगह जगह अब इस धार्मिक व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा है। जो लोग दूर दराज से आते हैं वो उसे लेकर यहाँ से जाते हैं। आपकी दुकान है, लोग लेकर जाते हैं इसको? हाँ, जाते हैं लेकर के। बड़ा क्रेज है इस भगवान राम। हाँ, भगवान का क्रेज यही है। तो राम ने आपकी रोजी रोटी कितनी अच्छी की है यहाँ? बहुत अच्छी की है। बदलाव आया है जनवरी के बाद से अब तक? बहुत बदलाव आया है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या काम करते हैं? दुकान पे हैं। क्या ये क्या बनाते हैं? समोसा बनाते हैं। समोसा बनाते हैं। ये अयोध्या के हैं? नहीं। हाँ, अरे हाँ, अयोध्या के हैं। नहीं, कहाँ के रहने वाले? हम ये सुहावल के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अयोध्या में लोगों की इनकम बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है। रोजी रोटी? हाँ जी, बढ़ी है। बदलाव है। ये मूर्तियों का बिजनेस यहाँ पर जो चल गया, लेकिन अब लिए चलते हैं आपको मंदिर की तरफ, लिए चलते हैं। चलिए सजावट देखते चलिए, किनारे किनारे जगह जगह ये मैं आपको यहाँ पर सजावट दिखाता रहूँगा, और इधर से किनारे किनारे मैं चलता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बीच में लोगों की भीड़ आ रही है। देखिए, जैसा मैंने कहा था यहाँ पर भगवान राम की मूर्तियाँ, जो भगवान राम का विग्रह था बिक रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हैदराबाद। नाम पल्ले और पाचपल्ली। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छा लगा। हाँ, तो सोचा था वैसा है या चेंज है? नहीं, वैसा ही है, और थोड़ा काम बाकी है, लेकिन कितना देगा वो तो अच्छा है। काम हो रहा है यहाँ? या काम। आपका शुभ नाम क्या है? मणि। आपको कैसा लगा अयोध्या? नाइस। कब आए आप लोग? फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए? ट्रेन से आए आप लोग। तो यहाँ पर स्टेशन कैसा लगा, क्या वो चेंज लगा आपको? नाइस, बहुत नाइस है। आप अच्छा यहाँ पर बोल रहे, क्या ले रही है आप यहाँ? यार, राम का मंदिर है ना, तो अच्छा, वो लोग चीज राम की मूर्ति। हाँ, कौन सी ले रही है, दिखाइए जरा सा। ये भगवान, अच्छा ये आपने लिया है फ्रेंड्स के लिए? ये देखिए, हैदराबाद से हैं, और धार्मिक आस्था जो हमारे देश के लोगों में है वो इतना कूट कूट के भरी है, बता नहीं सकते। अगर आप आंध्रा जाएं तो आप तिरुपति बालाजी की बात किए बिना रह नहीं सकते, और वो भी भगवान विष्णु के ही वहाँ स्वरूप है, और राम भी विष्णु के ही स्वरूप है। आप फिर आने की तैयारी में? कोई बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ी आने के लिए, या ऐसे ही आ गया? नहीं, एवरीथिंग वाज वेरी गुड एंड वेरी इजी टू कम हियर, सो अच्छा है सब कुछ, इजी आ सकते हैं। इतना पहले से आप तैयारी कर रहे थे, या सडनली आप लोगों ने डिसाइड किया जाना है? हाँ, सडनली ये डिसाइड किया आने के लिए। 1% भी आइडिया भी कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, कोई भी आ सकता है इजीली। चलिए, जय श्री राम। आप सब जय श्री राम। राम, इधर तस्वीरें दिखाता हूँ मैं अपने दर्शकों को। हैदराबाद से आए हुई ये महिलाएं, लड़कियां थी जो कि यहाँ पर थी, और अब दिखाऊंगा आपको गेट। जी, ये है आपकी तस्वीरों में राम मंदिर का वो द्वार जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये चेतावनी देख लीजिए सामने, नो ड्रोन जोन। यानी आज के कार्यक्रम या बाकी और कभी भी यहाँ पर ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, वो नहीं यहाँ पर उड़ाया जा सकता। अब मैं गेट दिखाता हूँ, दीपोत्सव 2024
लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ऊपर राम भगवान राम का रथ आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको फूलों से सजाया हुआ, ठीक बीच में जय श्री राम लिखा हुआ है ऊपर के रथ से। मेरा कैमरा नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है, यहाँ वैसे सजाया गया है, लोग अपनी फोटो भी यहाँ पर आकर खिंचा रहे हैं। और ये रास्ता अंदर जाने का, राम मंदिर के अंदर जाने का, और अब उतनी आपाधापी नहीं है, उतने धक्का मुक्की नहीं है जो यहाँ पर लोगों में पहले देखने को मिलती थी। जय श्री राम, यहाँ पर हर कोई यही नारा लगाता। आइए लोगों से बात करते हैं, किधर से आ रहे हैं आप लोग? तमिलनाडु। चेन्नई से आ रहे? अच्छा बढ़िया, हाँ बढ़िया। कब चले थे उधर से? अभी आधा घंटा पहले से। उधर चेन्नई से कब चले इधर के लिए? दो दिन बाद। दो दिन पहले? हाँ दो दिन। कितना चेंज है अयोध्या? सुपर सुपर, ये सुपर है ना, सब बोलते हैं, और बहुत सुपर है यहाँ पर इस। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ एकदम त्रेता युग जैसा लग रहा है। मैं बोलना चाहता, मेरा लड़का है इसलिए। हर बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहता है सब। बिल्कुल चाचा है, चेन्नई से आएगा, मद्रास में से आएगा। वेरी नाइस टेम्पल इन राम मंदिर दिस वन अयोध्या, वेरी गुड। माई मदर ऑल्सो वेरी हैप्पी। जय श्री राम। मैं श्री राम जी के, कहाँ से आयो पहले? मैं तो यहीं से अयोध्या से ही हूँ, लेकिन अयोध्या के लोगों को नैनीताल जॉब करते हैं। नैनीताल से जॉब करते हैं, यहाँ हमारा घर है, तो हम अयोध्या पहले दीप उत्सव देखेंगे। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग पहली बार देख रहे हैं दीप उत्सव? नहीं, पिछली बार भी हम लोग आए थे, बहुत ही अच्छा भव्य तरीके से पिछली बार भी सजावट हुआ था, इस बार तो और ही कुछ ज्यादा ही है। प्रणाम जोर जुग पानी, एकदम लग रहा आपने तो बोल दिया। और ये फायदा लोग उठा रहे, देखिए तस्वीरें भी देखते रहिए। जय श्री राम के आगे फोटो खिंचाना, कम से कम गेट पर इनका एक फोटो सेशन हमने भी कर लिया, बाकी लोग तो करते ही रहते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? नहीं बच्चे नहीं, आप बताइए। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से आई हैं, दंतेवाड़ा, माँ दंतेश्वरी का मंदिर है दंतेवाड़ा में। ईश्वरी। तो आप कहाँ से आई हैं? कितना समय लगा यहाँ तक आने? यहाँ में आने में हमको 700-750 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? टाइम तो हम बनारस आए, बनारस से फिर हम अयोध्या आए। सोचा कब था कि अयोध्या आना है? इसी दिवाली में। मतलब दीपोत्सव के लिए रामलला के महल में प्रवेश के बाद में हम यहाँ आए करके। बहुत स्वागत है आप लोगों का यहाँ पर, बहुत स्वागत है। इस तरफ दिखा देते हैं, इस तरफ भी देखिए, यहाँ पर ये खास सजावट है यहाँ पर जो आप इस जगह देख रहे हैं। देखिए कैसे झूमर बनाए गए हैं, इधर स्वागतम लिखा गया है फूलों से, ये स्वागतम है गेंदे के फूलों से, ये स्वागतम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और इस तरफ त्रिशूल, यहाँ पर बाकायदा त्रिशूल बना के यहाँ पर रखा गया है। ये त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक एक तरीके से यहाँ कहा जा रहा है, और ऐसे ही त्रिशूल कई सारे यहाँ पर लगाए भी गए हैं। ये है हमारा राम मंदिर, ये है राम मंदिर की छटा। दीपोत्सव में जो खुशियाँ यहाँ पर लोग देखने के लिए आए हैं, वो अभी दोपहर का वक्त है, शाम होगी और यहाँ पर रंगीनियाँ होंगी, रोशनी होगी और बेहतर होगा। राम मंदिर दीपोत्सव अयोध्या को अब इन्हीं चमक दमक और जय श्री राम का इंतजार है। जय श्री राम। इंडिया न्यूज से मैं राजीव शर्मा और मेरा कैमरा पर्सन अंकुश आप तक ला रहे हैं रिपोर्ट। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में जब त्रेता में उनके पैर पड़े होंगे तब कुछ ऐसा ही नजारा होगा। यहाँ मुकेश मेश्राम जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ी लंबी मेहनत और तैयारी और आज त्रेता जैसा दीपोत्सव आपको बताया। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं 16 राज्यों के लोक कलाकार हैं, कहीं ढोल ताशे दिखेंगे आपको महाराष्ट्र से, कहीं पर जो है जम्मू कश्मीर के लोग दिखेंगे, कहीं पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। ये सब मिल करके यहाँ पर एक जो है वो समा बांध रहे हैं, एक पूरा लोक संस्कृति का ये संगम स्थापित कर रहे हैं। किस तरीके से उमंग और उत्साह के साथ में राम मंदिर में जैसे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ये पहला दीपोत्सव है, और इस दीपोत्सव में ये झलक प्रदर्शित हो रही है हमारे देश की समृद्ध संस्कृति की। और उसके साथ ही साथ हम लोग रिकॉर्ड भी कायम करने जा रहे हैं, 25 लाख दीयों का प्रज्वलन होगा आज शाम को, 1100 साधकों के द्वारा माँ सरयू की आरती करके पर्यावरण के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका भी संदेश देने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर, 16 देशों से रामलीला होने जा रही है, ये भी एक तरह से अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह है कि कई सारी कंट्रीज जहां पर मूल जो जातिगत या कहा जाए धार्मिक तौर पर 85% मुस्लिम कंट्रीज या इस तरह की कंट्रीज से भी लोग आकर यहां रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं।
हाँ, इसमें आप देखेंगे कि 6 देशों से हमने रामलीलाएं मंगाई है। मलेशिया है, मलेशिया की जो रामलीला है उसमें आपको मुस्लिम कलाकार भी रामलीला का मंचन करते हुए दिखेंगे। कंबोडिया से बहुत सारे बौद्ध जो हमारे सनातन परंपरा से जुड़े होते हैं वो प्रदर्शित करेंगे। थाईलैंड से आ रही है, म्यांमार से रामलीला है, इंडोनेशिया की रामलीला है, नेपाल की रामलीलाएं हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर ये प्रदर्शित करेगी कि किस तरीके से यहाँ की संस्कृति दूसरे देशों में भी पहुँची और वहाँ पर लोगों ने जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करते हुए रामायण के प्रसंगों को जिया और मंच पर बाकी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश मेश्राम जी थे जो बता रहे थे पूरा विजुअली भी कि कैसे अलग अलग तरीके की जो झांकियां हैं वो आप ये देखिए, जो कलाकार हैं वो कला और संस्कृति की जो वानगी है वो पेश करते हुए, यानी कहा जाए कि अपनी अपनी जो नृत्य कलाएं हैं, अपनी अपनी जो संस्कृतियां हैं उसको यहाँ पर उकेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरी झांकियां जो हैं ये लता मंगेशकर चौक, यानी यहाँ साकेत से सीधे लता मंगेशकर चौक तक जाएगी। और एक एक झांकी के लिए क्या कुछ स्पेशल है, झांकी में क्या कुछ दर्शाया गया है, रामलीला के अलग अलग कैरेक्टर्स, रामलीला के अलग अलग सीन्स को दिखाया गया है। यहाँ आप देखिए रावण कैसे पुष्पक विमान पर जाते हुए माँ सीता का हरण करते हुए, ये झांकी में इस सीन को पोर्ट्रे किया गया। आप रावण को देख सकते हैं, माँ सीता पुष्पक विमान में मौजूद हैं और वो देखिए यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण शबरी के बेर चखते हुए, ये रामलीला के वो सारे दृश्य हैं जिनको अलग अलग झांकियों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम पूरे राम परिवार के साथ, यानी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, माँ सीता के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं। कैसे अलग अलग झांकियां, खूबसूरत झांकियां, और साथ ही साथ जो कलाकार हैं वो भी इसी तरह अपनी प्रस्तुति पेश करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज।